Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. So आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मदर्स डे व्लॉग. और आई नो काफ़ी लेट आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं. दरअसल मेरे एम कॉम के मिड टर्म एग्ज़ाम्स थे और मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, और इसके साथ साथ मैं और भी घर के भी कुछ कामों में बिज़ी थी. सो उसके अलावा हमने एक दिन मदर्स डे तो सेलिब्रेट किया भी नहीं, यानी हम काफ़ी दिन मदर्स डे सेलिब्रेट करते रहे. सो आज वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी, साथ में पूरा व्लॉग देखना है. यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, हम ग्रीन वैली आए हुए थे, कुछ हमें ग्रॉसरी चाहिए थी और कुछ चीज़ें चाहिए थी. पिज़्ज़ा लेना था, यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत मज़े का होता है. तो मैं, अम्मी और बड़ा भाई आए हुए थे, और पापा और छोटा भाई बिज़ी थे, तो हमने कहा कि नहीं, हमने तो जाना है, हमारा पिज़्ज़ा खाने का दिल चाह रहा था. तो हमने फिर जाके सबसे पहले तो उन्हें पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया. 20 मिनट्स थे रेडी होने में, तो फिर हमने कहा चलो बाकी भी देख लेते हैं, ग्रॉसरी शॉपिंग भी थोड़ी सी कर लेते हैं. तो यहाँ पे हम फ्रूट कॉकटेल्स देख रहे थे, तो फ्रूट कॉकटेल्स भी बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं, हर चीज़ महंगी हो गई है. और हर बार जब आप ग्रॉसरी करते हो और अगर आप अपने पिछले टाइम की ग्रॉसरी से उसको रिलेट करो, तो आपको प्राइसेस डबल हुए हुए मिलते हैं एवरी टाइम यू शॉप. तो बहुत ज़्यादा आप डिफरेंस फील करते हो, और बहुत ही बुरे हालात चल रहे हैं. पाकिस्तान की इकॉनमी तो बिल्कुल ही फारिग हो गई है, अल्लाह खैर करे. और बस फिर उसके बाद अम्मी ने और मैंने थोड़ी सी ग्रॉसरी कर ली थी, मैं भी आपको घर जाके दिखाती हूँ हमने क्या लिया था. और फिर उसके बाद हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया था, हमने पिज़्ज़ा पिक किया, और उसके बाद फिर हम आ गए. अच्छा, ग्रीन वैली लाहौर और रावलपिंडी में है, बहरिया टाउन में. तो आप ग्रीन वैली जब भी जाओ तो आप इनका पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़े का होता है. और रास्ते में अच्छा खासा ट्रैफिक था, सो हमें घर आने में भी काफ़ी देर हो गई. और यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, हमने फ्रूट कॉकटेल लिया था, ये हमने मफिन्स लिए थे, और ये अम्मी को लगा कि आलमंड मफिन्स हैं, लेकिन ये चॉकलेट मफिन्स थे. तो ये हमें थोड़ा सा वो मिस्टेक हो गई, तो ये कोई इतने मज़े के नहीं थे. और ये बर्गर लिया था भाई के लिए, और ये सैंडविचेस लिए थे, ये ऑलिव्स एंड चिकन के होते हैं. साथ में ये हमने लिया था जी लेमन कर्ड पेस्ट्री, ये मेरी अम्मी को और मुझे बहुत पसंद है, बहुत मज़े की होती है. सो आप अगर ग्रीन वैली जाओ तो आप ये भी ट्राई करना, एक पिज़्ज़ा और लेमन कर्ड पेस्ट्री, इनकी ये दो चीज़ें हाईली रिकमेंडेड हैं. बस फिर घर आके हमने पापा और छोटे भाई के साथ, यानी पूरी फैमिली ने मिलके पिज़्ज़ा खाया, और आप देख सकते हो कि इसका कितना बड़ा स्लाइस है, और ये मज़े का भी बहुत होता है. और सुबह नाश्ते में मैंने और अम्मी ने मफिन्स खाए थे, साथ चाय ली थी, फिर अम्मी ने बनाए थे और मैंने मिलके कीमा भरे करेले. और मैं आपको बताऊँ कि हमने तो पूरा महीना मदर्स डे सेलिब्रेट किया है, मज़े मज़े के खाने बनाए हैं जो ख़ासतौर पर मेरी अम्मी को पसंद है. और फिर अम्मी के मदर्स डे के जो गिफ्ट्स थे वो भी डिफरेंट टाइम में परचेज़ हुए, कुछ मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की हुई थी तो मुझे अलग अलग में डिलीवरी हुई, तो बस अलग अलग दिन अम्मी को गिफ्ट्स मिलते रहे. सो बड़ा मज़ा आया, हमने बहुत इंजॉय किया, बड़ा अच्छा लगता है. वैसे मदर्स डे तो डे हर दिन ही माँ बाप का होता है, लेकिन एक दिन स्पेसिफाई कर दिया जाए तो उसको मनाना तो बनता है. और हमने एक दिन नहीं, हमने पूरा महीना मना लिया. और ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हमने पैनामार्ट से ग्रॉसरी शॉपिंग की थी, आइसक्रीम्स मंगवाई थी, कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाई थी. आपको पता है कि गर्मियाँ हैं, तो गर्मियों में तो ये चीज़ें चलती हैं. तो बस कि हमने पैंडामार्ट से ही मंगवा ली थी, गर्मी इतनी होती है कि बिल्कुल दिल ही नहीं चाह रहा कि हम ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए इम्तियाज लाएँ. तो ग्रीन वैली हम जाते रहते हैं, वहाँ से कुछ हमें लगता है ज़रूरत का तो हम ले लेते हैं, वरना हम ज़्यादातर पैंडामार्ट से या इम्तियाज से ही शॉपिंग करते हैं. और ये रात में हम आए थे पप्पू जी लेमन सोडा पीने के लिए, और मरी रोड रावलपिंडी में ये इनका सेटअप है और बहुत फेमस है. और जो रावलपिंडी में रहने वाले हैं, जो इस्लामाबाद में रहते हैं, उनको पता होगा. तो बस ये हम पीने के लिए आए थे, और गर्मी में ना बस यही दिल चाहता है बंदा आइसक्रीम खाए या कोई ठंडा कोल्ड ड्रिंक ले ले, ठंडे जूसेस ले ले. वैसे मेरी अम्मी घर में फ्रेश जूस बनाती हैं, फ्रेश फ्रूट जूस हमारे घर में अवेलेबल होता है, लेकिन जब तक बाहर का कुछ ना खाएं ना, तब तक सुकून नहीं मिलता, ख़ासतौर पर मेरे भाइयों को. और बस हमने सोडा पिया था सब ने, फिर उसके बाद हम स्वीट क्रीम चले गए थे कमर्शियल मार्केट में, जो है इनकी ब्रांच. आपको अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग्स आप देखते हो तो आपको पता होगा कि हम यहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं, और यहाँ से ख़ास तौर पर हम इनका चीज़ केक लेते हैं, लॉटस चीज़ केक, जो बहुत मज़ेदार है. मैंने अपने काफ़ी फ्रेंड्स को भी रिकमेंड किया, उन्होंने भी ट्राई किया, उनको भी बहुत अच्छा लगा. सो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी, आप भी ट्राई करना इनका लॉटस चीज़ केक, इट्स वेरी यम्मी. और इसके अलावा मैंने बहुत जगहों से चीज़ केक खाया तो मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन इनका मुझे और मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी. तो बस हमने चीज़ केक लिया था, बाकी
पापा और भाइयों ने आइसक्रीम ली थी वो नहीं खाते चीज़ केक, मुझे और अम्मी को पसंद है तो हम बहुत शौक से खाते हैं। वैसे अभी मेरा दिल है कि मैं और अम्मी मिलके घर में ये लोटस चीज़ केक बनाना ट्राई करें, और मेरी अम्मी अगर बनाएंगी तो अच्छा बन ही जाएगा, तो हम किसी दिन ट्राई करेंगे फिर आपके साथ भी शेयर करेंगे। और रस्ते में जी हमने देखे आम, अभी तो आम बहुत ज़्यादा माशाल्लाह मार्केट में आए हुए हैं तो हमने आम भी ले लिए। और नेक्स्ट डे, अच्छा मैं आपके साथ काफ़ी सारे दिनों का व्लॉग शेयर कर रही हूँ ठीक है ना, तो ये नेक्स्ट डे दिन को बस मेरा और अम्मी का दिल चाह रहा था कि हम कुछ फास्ट फूड खाएं, तो हमने ऑर्डर किया था हार्डीज़ का ये क्रिस्पी चिकन सैंडविच है, ये मैं और अम्मी बहुत शौक से खाते हैं, मज़े का होता है, आप ये ट्राई करना, अगर आपने किया हुआ है तो आपको पता होगा। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये मैंने अम्मी को फर्स्ट जो मदर्स डे का गिफ्ट दिया था वो ये है, डिजिटल ई कुरान डैनी का। इसका डिटेल्ड रिव्यू मैंने अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ देख लेना, अगर मैं यहाँ पर करती तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती, तो आप ज़रूर देखना, और आपको भी फिर आइडिया होगा कि आपको भी अपने पेरेंट्स को ये गिफ्ट देना चाहिए और ये कितना ज़बरदस्त तोहफ़ा है और कितना बेशकीमत तोहफ़ा है। अच्छा जी, ये मैंने अम्मी को गिफ्ट दिया था और मेरे छोटे भाई ने अम्मी को बूबा, जो हमारा पेट है, जो पैरट है, वो गिफ्ट किया था, रिंग नेक पैरट, बेबी रिंग नेक पैरट, और वो आप मेरे व्लॉग्स में पीछे देखते ही आए हो। तो मेरे गिफ्ट्स जो हैं वो लेट आए थे, भाई ने पहले ही गिफ्ट दे दिया था अम्मी को। और ये जी मेरा बड़ा भाई मदर्स डे पे डिनर के लिए लेकर आया था हम सबको, और लसानिया रेस्टोरेंट हम गए थे रावलपिंडी, लेकिन वहाँ पे फुल जैम पैक थी, पार्किंग स्पेस बिल्कुल भी जगह नहीं थी, तो फिर हमने उसी के ऑपोजिट मोनाल रेस्टोरेंट है, मोनाल डाउनटाउन रावलपिंडी सदर, तो फिर हम वहाँ चले गए। और लसानिया तो हमने बहुत खाया हुआ है, लसानिया का टेस्ट हमें पता था, लेकिन मोनाल डाउनटाउन हम फर्स्ट टाइम गए थे तो हम थोड़ा सा रिलक्टेंट भी थे कि पता नहीं टेस्ट कैसा होगा, रिव्यूज़ मैंने देखे हुए थे, लेकिन फिर भी आप रिव्यूज़ पर इतना रिलाई नहीं कर सकते, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप रिव्यूज़ देके कोई चीज़ ले लेते हो लेकिन वो अच्छी नहीं होती, सो हर किसी का अपना टेस्ट होता है ना। तो खैर हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया था, बड़े भाई के सर में भी बहुत दर्द था और वो कह रहा था कि मैं तो वो तो आ गया था क्योंकि मदर्स डे था, तो वो इसलिए आ गया हमें ले आया, वरना उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। सो बस यहाँ पे हम आए, हमने ऑर्डर प्लेस किया, एम्बियंस अच्छा था, बड़ी अच्छी हवा चल रही थी और मज़ा आया, अच्छी जगह है। सो जी खाने में हमने मंगवाया था, एक पाकिस्तानी प्लेटर था, चाइनीज़ प्लेटर था और एक मटन प्लेटर था, मटन स्पेशल प्लेटर था, उसमें सब कुछ मटन का था, और पाकिस्तानी प्लेटर में जो है वो चिकन का था, और चाइनीज़ में जो चाइनीज़ फूड होता है वो था, नान मंगवाए थे, उसके अलावा हमने 3 चपली कबाब मंगवाए थे, चपली कबाब इनके बहुत यमी थे, हाईली रिकमेंडेड है, चपली कबाब ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। तो बस हमने इसी तरह से फिर खाना मंगवाया था, बड़े भाई के तो सर में दर्द था, उसको हमने चाय मंगवा के दी थी, उसने कुछ भी नहीं खाया क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, और हमने तो भाई बड़ा मज़ा ले ले खाया, पेट भर के खाया, बहुत मज़ा आया। और ये जो प्लेटर्स इनके होते हैं उसके साथ स्वीट डिश भी ये सर्व करते हैं, ब्राउनीज़ और गुलाब जामुन में से आपके पास ऑप्शन होता है, तो हमने 3 प्लेटर्स लिए थे, तो फिर हमने ये ले लिया, साथ में ड्रिंक भी सर्व करते हैं। सो हमने 3 प्लेटर मंगवाए थे और उसके साथ डिफरेंट प्लेटर्स मंगवाए थे, साथ हमने 3 चपली कबाब मंगवाए थे, और बहुत मज़ा आया माशाल्लाह, पेट भर के खाया और बड़ा इंजॉय किया हमने। और हम यहाँ फर्स्ट टाइम आए थे तो हमने थोड़ा ध्यान से ही ऑर्डर प्लेस किया था, सो हमने कहा ये ना हो कि हमें पसंद ना आए और खाना ज़ाया हो जाए, और माशाल्लाह खाना बहुत अच्छा था इनका, और थोड़ा सा बच भी गया था तो हमने वो पैक करवा लिया। और यहाँ पे हम लिफ्ट का वेट कर रहे थे तो पापा बता रहे थे कि इनका मोनाल का जो लंच का हाईटी बूफे है वो बहुत अच्छा है, पापा यहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ पहले आए थे तो पापा कहे थे कि ये अच्छा है, और बस जी हमने बहुत इन्जॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। फैमिली टाइम बहुत ज़रूरी है, अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें। Oh.
और ये हमारा चौमिन अनुशासनिक बच गया था तो वो हमने पैक करवा लिया था। नेक्स्ट डे मेरी अम्मी ने बनाया था मटन मखनी, और मटन मखनी यानी जो मक्खन में जो मटन बनता है ना वो अम्मी ने बनाया था, और बेहद मज़े का बना था। सच में मेरी अम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और अब तो मैं भी उनसे सीख रही हूँ। और शाम में मैं और अम्मी बड़े भाई के साथ गए थे शॉपिंग पे, और हम बड़े भाई के साथ चले जाते हैं शॉपिंग पे, तो बस हम स्टाइलो शूज़ आए थे और स्टाइलो शूज़ पे हमें कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगा। आप खुद देख सकते हो कि कोई इनकी मज़ेदार कोई वैरायटी नहीं है, यानी कुछ मॉडर्न कुछ लेटेस्ट डिज़ाइंस नहीं है, वही पुराने डिज़ाइंस, और उसमें भी कुछ इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था। तो बस हमने एक ही शूज़ परचेज़ किया था, वो भी आगे मैं आपको दिखाती हूँ। और हम जिस ब्रांच में गए थे ना स्टाइलो की, सदर में वैसे इनकी काफ़ी ब्रांचेज हैं लेकिन हम जिसमें गए थे वो बहुत ही छोटी थी, वहाँ पे तो कोई इतनी खास वैरायटी भी नहीं थी। लेकिन वैसे भी अगर मैं आपको बताऊँ तो स्टाइलो और मेट्रो में ना वो वैरायटी नहीं रही। हमने बहुत शॉपिंग की हुई है मेट्रो शूज़ से स्टाइलो शूज़ से, लेकिन बस अब वो बात नहीं रही। और बस उसके बाद जो है वो हम शाम में निकले हुए थे, और सदर में तो इतनी रश होती है, आप जब भी जाओ तो बहुत रौनक होती है। और उसके बाद अम्मी ने कहा था कि तहजीब से अम्मी ने कुछ नाश्ते की चीज़ें लेनी थी, तो हम वहाँ चले गए उस साइड पे, और वहाँ पे तो जो इंतहा का रश था, शाम का वक्त था तो इतनी आवाम निकली हुई थी, इतनी ज़्यादा लाइव कवाली हो रही थी, और वैसे भी इतने लोग निकले हुए थे, और अभी आप खुद भी देख सकते हो कि इतना रश था और तहजीब के बाहर तो आप सोच भी नहीं सकते थे कि आप गाड़ी में से निकल के जाओ कुछ लेके आओ। तो बल्कि मेरा भाई कह रहा था अम्मी आपने मुझे फंसवा दिया, आप मुझे यहाँ क्यों लेके आई, देखो यहाँ कितना रश है और गाड़ी भी नहीं है, किसी ने कोई टक्कर मार दी कुछ हो गया तो फिर। तो अम्मी कहती हैं अच्छा ठीक है ना लो भाई कुछ भी यहाँ से घर चले जाओ। तो हम फिर घर वापस आ गए। फिर उसके बाद रात को हम पापा और छोटे भाई के साथ फिर हम पूरी फैमिली फिर दोबारा निकली, क्योंकि हमने जो है वहाँ हमारा जूते लेने का प्लान था, ईद भी आ रही है और वैसे भी ना घर पहनने के लिए हमें स्लीपर्स चाहिए थे, तो स्टाइलो से तो हमें कुछ खास मिला नहीं। तो फिर रात को फिर हम सारी फैमिली दोबारा से हम निकले और फिर हम क्लाइव गए, क्लाइव शूज़ कमर्शियल मार्केट रावलपिंडी, वहाँ पे हम गए और बहुत ही अच्छी इनके पास वैरायटी थी, कंफर्टेबल हमें स्लीपर्स मिल गए। इसके अलावा अम्मी के लिए मैंने मदर्स डे का यहाँ से एक गिफ्ट परचेज किया, वो मैं भी आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। और बस यहाँ पे हम सिलेक्शन कर रहे थे और मैं आपके साथ वैरायटी शेयर कर रही हूँ कि देखिए कितनी अच्छी अच्छी इनके पास सैंडल्स हैं और वेजेस भी हैं, यानी हर तरह की वैरायटी है, हील्स हैं, यानी अगर आप यहाँ से जूता खरीदने आओगे ना तो आपको अपने टेस्ट के मुताबिक कोई ना कोई जूता ज़रूर मिल जाएगा। सो ये मैं आपके साथ भी वैरायटी शेयर कर रही हूँ। सो अगर आपने भी 20% ऑफ भी लगा हुआ था, पता नहीं है या नहीं, तो खैर अगर आपको भी जूता चाहिए तो आप यहाँ से आके ले सकते हो। और बाकी बैग्स भी हम देख रहे थे, हमने कहा चलो बैग अगर कोई अच्छा लगे तो वो भी ले लें, लेकिन कोई इतना खास नहीं, इतने अट्रैक्ट नहीं किया कोई बैग, तो फिर हमने कहा कि चलो ठीक है बस जूते ही काफ़ी हैं। और बस फिर हमने वहाँ से जूते लिए और उसके बाद जी हम आ गए घर। और यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मेरा थर्ड गिफ्ट है मदर्स डे का, मैंने अम्मी के लिए जे डॉट से ड्रेस मंगवाया था, और फोर्थ गिफ्ट है अम्मी की एक फेवरेट परफ्यूम है, सो वो मैंने अम्मी को गिफ्ट की थी लेकिन अब वो मैं यहाँ पे मैंने शेयर नहीं किया। सो बस ये सारे मेरे गिफ्ट्स हैं अम्मी के, और सब डिफरेंट जो है ना वो दिनों में आए थे, तो फिर जैसे जैसे आते गए मैं अम्मी को देती गई। पहले मैंने सोचा था कि मैं एक बास्केट रेडी करूँगी, लेकिन फिर मैंने कहा कि मैं कहाँ चीज़ें इकट्ठी कर करके बास्केट्स बनाऊँगी, तो बस फिर जैसे जैसे आते गए मैंने अम्मी को दे दिए। और ये जे डॉट का ड्रेस मैंने ऑर्डर किया था, ये 3-piece ड्रेस है और लॉन का जो है ये ड्रेस है, और आप देख सकते हो कि इसका कितना खूबसूरत प्रिंट है, और इसका दुपट्टा शिफॉन का है, और अम्मी को बहुत अच्छा लगा ये ड्रेस, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा मुझे बताना। जे डॉट की लॉन बहुत अच्छी होती है, आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हो, ऊपर से गर्मियों में आपको पता है कि कपड़े जो है वो अगर आपके कंफर्टेबल ना हो तो आप बस बहुत परेशान रहते हो, तो इसलिए जे डॉट जो है ना इनकी लॉन बहुत ही ज़्यादा लाइट है, आपको बहुत अच्छा फील होता है इनके कपड़े पहन के, और ऊपर से इनके डिज़ाइंस बहुत अच्छे हैं, वाइब्रेंट कलर्स हैं, दुपट्टा इतना प्यारा है, इतना लाइट दुपट्टा होता है कि आपको बिल्कुल हैवी फील नहीं होता। तो आई थिंक गर्मियों में ऐसे ही आपको ड्रेसिंग करनी चाहिए जो आपको बिल्कुल भी भारी महसूस ना हो। और ये जी हमारी जो जूतों की शॉपिंग थी वो भी मैंने कहा आपके साथ इसी व्लॉग में शेयर कर दूँगी, अम्मी ने स्टाइलो शूज़ पे जाके जो अभी मैंने आपको शुरू में बताया वहाँ से हमने ये एक आर्टिकल इनका परचेज़ किया था, कुछ भी अच्छा नहीं लगा, बस ये एक आर्टिकल थोड़ा सा अच्छा लगा था तो हमने फिर ये ले लिया, और ये आप देख सकते हो ये शूज़ वैसे अच्छे थे।
और ये है जी हमारी क्लाइव शूज़ की शॉपिंग, और बहुत ही ज़्यादा मज़े की शॉपिंग हुई है हमारी क्लाइव की। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैंने आपको बताया था कि हमने स्लीपर्स लेने थे घर पहनने के लिए, तो मैंने और अम्मी ने सेम ही लिए हैं, और साइज़ का हमारा फ़र्क है, अम्मी का और मेरा एक नंबर का फ़र्क है। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं और सही कलरफुल से हैं, और मुझे तो ये बहुत अट्रैक्टिव लगे जैसे ही मैंने इनको देखा तो, और कंफर्टेबल भी हैं, अच्छे हैं, तो हमने ये सेम जूते लिए हैं। और ये जो मेरा पैरट है ना, उसको भी बहुत अच्छे लगे, उसने आके इसको टुक भी दिया थोड़ा सा उसको रेड कलर बहुत अच्छा लगता है, तो वो बस रेड कलर का दीवाना है। और हमारे जूते अब हम उसे छुपा छुपा के रखते हैं कि कहीं वो दोबारा से आके हमारा जूता ख़राब ना करे। और बस इसी तरह से हमारे तो घर में बहुत रौनक लग गई है जब से बुबा आया है। और जी ये मैंने अम्मी को मदर्स डे पे गिफ्ट किया है ये जूता, और आप देख सकते हो कि ये कितना खूबसूरत आर्टिकल है, और ये बहुत कंफर्टेबल था, डिज़ाइन बहुत अच्छा है और कंफर्टेबल भी है। तो जूते में अगर आपको ये दोनों चीज़ें एट द सेम टाइम मिल जाए ना, तो आप बहुत लकी होते हो सच में, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपको कंफर्टेबल जूता मिलता है तो उसका कोई डिज़ाइन इतना खास नहीं होता, बहुत ही पुराना डिज़ाइन होता है। तो इसलिए क्लाइव जो है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा है, और मैं और अम्मी फर्स्ट टाइम क्लाइव पे गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम हमेशा से स्टाइल ऑन मेट्रो से ही परचेजिंग करते थे, तो अभी उनकी वैरायटी बिल्कुल ही फारिग हो गई है, तो इसलिए फिर हम क्लाइव गए और क्लाइव पे हमें अच्छा लगा, तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम क्लाइव से ही परचेज करेंगे। और ऐसा नहीं है कि स्टाइल और मेट्रो को बिल्कुल ही छोड़ देंगे, फिर भी हम चेक करते रहा करेंगे, क्योंकि मैं तो जब से छोटी हूँ, मुझे अम्मी ने उन्हीं के जूते पहनाए हैं, तो चेक करते रहेंगे, लेकिन अभी क्लाइव हमें बहुत अच्छा लगा है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि नेक्स्ट डे अम्मी ने बनाया था आलू गोश्त, और ये भी मटन था। मटन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर बहुत ज़्यादा बनता है, और हर सेकेंड डे ऑल्टरनेट डेज में हमारे घर मटन ही बनता है। बीफ कोई खाता नहीं है, और इसके अलावा दांतों में मेरे तो दर्द होता है बीफ खा के, और बस चिकन भी ये लोग कम ही पसंद करते हैं, तो ज़्यादातर मटन ही बनता है। और अच्छा जी, उसके बाद हमने घर में खाना खाया बड़े मज़े का, फिर हम आ गए थे कमर्शियल मार्केट। कमर्शियल मार्केट से हमने खाए गोलगप्पे, मेरी अम्मी को बहुत पसंद है और मैंने भी खाए, और साथ में हमने कोन आइसक्रीम खाई, ये भी बहुत ही फेमस है कमर्शियल मार्केट रावलपिंडी में। और ये मैंने अम्मी के लिए मंगवाया था लेयर्स से केक, और साथ में फ्लावर्स मंगवाए थे, मेरी अम्मी को रोज़ेस बहुत पसंद है। सो ऐसे हमारा मदर्स डे ख़त्म हुआ, और आपको कैसा लगा व्लॉग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच वॉचिंग जी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।